से आप सब अच्छे से अच्छे बने रहिए। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के ब्लॉग में हम बनाएंगे पिंडी वाले छोले। तो हमने अपना कुकर जो है गैस पे चढ़ा दिया है। अब इसमें हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। चलो अब इसके अंदर हम डालेंगे क्यूमिन सीड, जीरा छटक चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे ये कड़ी लीफ, डालेंगे ये गरम मसाले खड़े, पेस्ट प्याज का, एक तरफ हम रख देंगे थोड़ा सा पानी, गैस फ्लेम ऑन कर देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी चाय पत्ती, ये मत देखिए। प्याज हो चुकी है तो इसमें हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट। देखिए कितनी अच्छी हमारा मसाला कितने अच्छे तरीके से पक रहा है। हल्की सी हींग ऐड करेंगे इससे, मैं अपने हर खाने में हींग हल्की सी ऐड करती हूँ, इससे सॉस अच्छा रहता है। हमारा कैमरामैन न्यू है, अगर वीडियो हमारी हिलती है तो कृपया इस पर ध्यान ना दे ज़्यादा है। तो पेस्ट था तो थोड़ा पक गया, तो इसके अंदर हम डालेंगे अपने मसालों का पेस्ट। इसमें मसाले में मैंने डाला हुआ है गरम मसाला, थोड़ा सा छोले मसाले और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा हल्का सा डाला। इसमें मैंने पीसी हुई लाल मिर्च हल्की सी मैंने इसमें डाली है, पीसी हुई धनिया का पाउडर चुकी हूँ वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। अब इसको हम थोड़ी देर ऐसे ही धीमी आंच पे पकने देंगे। बॉईल करके रख रखे थे पहले से ही, इसमें मैंने हल्का सा नमक डाल रखा था। इस तरह से उबल चुकी है तो अब हम इसको बंद करें। मसाला मुझे लगता है पक चुका है। पूरे छोले ऐड कर देंगे। एक काम हमने अपनी बहन को दे दिया है, माय बहन बहुत जिससे के साथ इसको चला रही है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी मोर वीडियोस देखने के लिए आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूंगी। थैंक यू।